हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे से होंगे। सो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी एक फेस्टिव शॉपिंग हॉल जो कि मैंने अमेजोन से शॉपिंग की है, और सभी की सभी जो ड्रेसेस है ना वो अच्छी है। फेस्टिवल्स आने वाले हैं ना, तो उनको देखकर ही मैंने ये वाली शॉपिंग की है, क्योंकि आगे आगे बहुत ज़्यादा फेस्टिवल्स हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी बहुत ही ब्यूटीफुल कुर्ता सेट, पेस्टल कलर में है। देखिए पिंक कलर का है, और इसका जो यहाँ पे नेक है उस पर ऐसे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और यहाँ पे जो स्लीव्स हैं उन पे भी एम्ब्रॉयडरी है, और कॉटन का है ये वाला, क्योंकि अभी जैसे रक्षाबंधन है और इसके बाद जन्माष्टमी आएगी, तो उसमें ना बहुत ज़्यादा वेदर प्लेजेंट नहीं होता है, तो उसमें ना इस टाइप के कपड़े ही पहनने का मन करता है। तो ये वाला कुर्ता सेट मुझे बहुत अच्छा लगा, और पेस्टल कलर है ना तो एकदम खिल के आ रहा है, और इसका जो ब्रांड है वो पलक है। इसमें जो साइज है मेरा वो एल है, और इसके साथ ये वाली पैंट आई है, और पैंट भी मतलब काफ़ी मटेरियल भी अच्छा है। यहाँ पे इसका गोटा वाला एक लेस लगी हुई है, और इसके साथ दुपट्टा भी है, तो दुपट्टे पे भी ना यहाँ पे ऐसे एक लेस लगी हुई है, और यहाँ पे सेम कुर्ते के जैसा ये बॉर्डर है। तो ओवरऑल मुझे वाला जो कुर्ता है ना वो बहुत अच्छा लगा। मैंने जब ये पहना ना तो मम्मी को बहुत अच्छा लगा, बोलने लगी कि तेरे ऊपर ये मतलब खिल के आ रहा है, बाकी आप लोगों ने यहाँ पे देखा ही होगा। तो मतलब ये वाला कुर्ता सेट ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा है। और नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी एक ब्यूटीफुल वाइट कुर्ता, तो इसके नीचे ये अनारकली है कट स्लीव्स का, और ये कुर्ता मुझे रिसीव हुआ था ऐसे मतलब रोल रोल, पूरा रोल रोल करके मैंने मतलब इसको ओपन किया है, क्योंकि पहन के देखना था ना, और पूरा ऐसे मतलब कट स्लीव्स कुर्ता है, ऊपर से मतलब लेयर कुर्ता है, और ऊपर जो ये लेयर है ना ये चंदेरी का लेयर है, बीबा का कुर्ता है ये, तो ब्रांड तो आपको पता है कि विवाह कितना अच्छा है। और इसका जो ऊपर ये ब्रोकेड वर्क है ना वो भी बहुत सुंदर है। ये कुर्ता ना बेसिकली ओवरऑल पहन के बहुत सुंदर लगा है। इसका जो कट स्लीव कुर्ता है ना इसको आप डिफरेंट तरीके से भी स्टाइल कर सकते हैं, लाइक इसके ऊपर जैकेट पहन के अगर आप इसको किसी और कुर्ते के साथ लेयर करना चाहें ना तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि इसका जो मतलब स्लीव्स है ना, इसकी जो मतलब अंदर से स्टिच है ना वो बहुत ज़्यादा चुभ रही है, इरिटेट कर रही है, तो आप इसको पहनेंगे ना तो आपका मन करेगा कि इसको आप जल्दी से निकाल दें। बाकी ये कुर्ता ना मतलब प्राइस के हिसाब से आई थिंक मुझे 2000 रुपीज़ का मिला है, प्राइस के हिसाब से एकदम परफेक्ट है, क्योंकि बीबा के जो कुर्ता है ना अच्छे कुर्ता वो इसी रेंज में आते हैं, और वैसे तो बहुत अच्छा है। लेकिन इसका जो ड्रॉबैक है ना वो एक यही है कि वो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है, और आप इसको लॉन्ग किसी फंक्शन में या फिर लॉन्ग किसी फेस्टिवल पे ना नहीं पहन सकते, बहुत ज़्यादा आपको इरिटेट करेगा। बाकी इसका जो लुक है ना वो बहुत सुंदर आया, वो वाइट ऑलवेज रॉयल लगता है पहन के, ऑलवेज सुंदर लगता है। तो मतलब वाइट प्रॉपर इसका जो ये ना ये तो वाइट है, ये काइंड ऑफ बेज में है, लेकिन कुर्ता बहुत सुंदर है। अब पता नहीं ये वाला जो मतलब ये वाला जो कुर्ता है बेसिकली उसके साथ ये है जो इसके अदर पीस आएंगे उसके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम होगा, आई डोंट नो, क्योंकि मुझे ये वाला जो स्टिच है ना यहाँ पे ये पूरा मुझे बहुत ज़्यादा चुभ रहा है। बाकी कुर्ता अच्छा है, मैं बात करूँगी। और नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी 2 ब्लाउज जो कि मैंने लिए हैं, ये है स्टूडियो श्रीनगर की तरफ से। इनका मैं आपको ट्राई ऑन नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि इसके मैच करना मेरे पास बॉटम नहीं था यहाँ पे। बाकी ये मैंने पहन के देखा, इसका जो फिट है ना वो एकदम परफेक्ट आया है। इसमें यहाँ पे चेन दिया हुआ है, पेपलन कुर्ती है ये, नीचे यहाँ पे नेट लगी हुई है, और ये तो मतलब आपकी स्कर्ट के साथ साड़ी के साथ ये बहुत अच्छी लगने वाली है। एल साइज मैंने लिया है, और ये देखिए इसका मतलब ऐसे पेपलन बहुत प्यारी मुझे लगी है, क्योंकि स्टूडियो श्रीनगर के जो कपड़े हैं ना वो मतलब बहुत अच्छे हैं। इस बार ना मतलब मैंने काफ़ी अच्छी शॉपिंग की है, तो बेसिकली मतलब ज़्यादा मतलब भर के नहीं लिया, जैसे मैं हमेशा डेली वेयर लेती हूँ ना तो उसमें थोड़ा ज़्यादा पीसेस मिलते हैं। इस बार मेरे को 4 पीस लिए हैं मैंने, और सब एकदम अच्छे लिए हैं, बस ये वाला जो वाइट वाला है ना वो थोड़ा सा इरिटेट कर रहा है, बाकी ये वाला भी एकदम कम्फर्टेबल है, बहुत अच्छा मुझे लगा है। अगर आप इसको कोई पेपलम टॉप आप सर्च कर रहे हैं ना साड़ी के साथ, आपको ये वाला कलर चाहिए तो मतलब परफेक्ट, आप एक बार मंगा के ज़रूर देखिएगा। इसका जो मटेरियल क्वालिटी है ना वो भी मतलब अच्छी है। यहाँ पे पूरा ये ऐसे जिप लगी हुई है, देखिए पूरा नीचे तक बंद हो जाता है, और यहाँ से इसका जो फिट है ना वो भी मुझे बहुत अच्छा आया है। सो नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी एक और क्रॉप टॉप जो कि स्टूडियो श्रीनगर से है। इसमें यहाँ पे पीछे पूरे बटन दिए हुए हैं, और स्लीव्स भी ना ऐसे यहाँ पे पूरा ये बटन लगा हुआ है,
तो बेसिकली ये वाला जो क्रॉप टॉप है ना, ये तो मतलब मुझे बहुत बहुत सुंदर लगा इसका कलर और ये सब। इसको आप स्कर्ट के साथ पेयर करेंगे तो भी अच्छा लगेगा, इसको आप साड़ी के साथ पहनेंगे ना, सिल्क साड़ी, कॉटन साड़ी, ये बहुत अमेजिंग लगने वाला है और बहुत प्यारा मुझे इसका फिट लगा है। ऊपर से ना इसका जो ये स्टाइल है ना, ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है। और ये देखिए मटेरियल भी बहुत अच्छा है, वैसे इस पर पूरा लिखा है कि ये ड्राईक्लीन ओनली है, लेकिन अगर मुझे लगता है अगर आप इसको इजी वगैरह में वॉश करेंगे ना तो ये चल जाएगा, क्योंकि इस मटेरियल का ना मेरे पास एक कुर्ता है और मैं उसको वॉश कर चुकी हूँ, ड्राई वॉश मतलब घर पे, तो मतलब वो मेरा ठीक रहा। बाकी इसका जो कलर है ना वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है, ये देखिए बहुत सुंदर मुझे ये वाले इस बार के लगे हैं। तो बेसिकली इस बार मैंने ना ये वाले सिर्फ 4 पीस लिए हैं और चारों के चारों पीस ना बहुत अच्छे मिले हैं। पेस्टल कलर वाला भी, ये वाले जो दोनों क्रॉप टॉप है ना, ये भी बहुत सुंदर मिले हैं। तो ये वाले 4 पीस का मेरा फेस्टिव शॉपिंग था इस बार का। बताइए आप लोगों को क्या अच्छा लगा इन सब में, और इन सब के जो बाइंग लिंक है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगी, इन एनी केस अगर आप लोग कुछ लेना चाहते हैं तो। चलिए आज का जो छोटा सा शॉपिंग हुआ था ना, वो मैं यहीं पर ही फिनिश करूंगी। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो उसको लाइक किए बिना जाना नहीं, और बताइएगा मुझे आप लोगों को क्या अच्छा लगा। तो चलिए जल्दी ही मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक आप रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, बाय।